हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। ओपनिंग डेट जो है 1 अप्रैल से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी 30 अप्रैल। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस टीचर्स की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। पे स्केल जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है मिलने वाला है। सरकारी नौकरी परमानेंट वैकेंसी रहेगी। लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है। TGT टीचर्स की 44,900, प्रिंसिपल के लिए जो है 67,700 जो है पे स्केल रहने वाली है। बिल्कुल रेगुलर पोस्ट है, सरकारी नौकरी है। तो चलिए देख लेते हैं कितनी जो है वैकेंसी है हर पोस्ट में सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले जो है डिटेल्स ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, पे स्केल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, नेचर ऑफ पोस्ट, सभी वैकेंसी जो हैं रेगुलर हैं, परमानेंट हैं, सरकारी नौकरी है। सबसे पहले जो है प्रिंसिपल की कितनी वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट हैं। TGT में इंग्लिश की 4 वैकेंसी हैं, ओडिया की 2 हैं, हिंदी की 5 हैं, संस्कृत की 3, मैथमेटिक्स की 4, साइंस की 4, सोशल स्टडीज की 5, आर्ट टीचर की 3 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 5 है, कंप्यूटर टीचर की 5 है। टोटल पोस्ट जो है 44 है, तो 44 रेगुलर वैकेंसी। TGT में जो है कोई भी सब्जेक्ट, पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी 44,900, प्रिंसिपल की थोड़ी अधिक है 67,700 लेवल 13 के अकॉर्डिंग। ओपनिंग डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2024 से आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 रहेगी। ऑनलाइन फीस की 2 मई 2024। वैकेंसी कहाँ से है? वैकेंसी ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से है, प्रिंसिपल एंड टीचर्स की। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, ये क्या मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन देखिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री आपका 45% मार्क्स में कम से कम होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, अनुभव भी जो है यहाँ पर मांगा गया है। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर जो आपका अनुभव रहा हो, या PGT टीचर्स के लिए रहा हो, या TGT टीचर्स के लिए रहा हो। फॉर TGT टीचर्स के लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स साइंस के, और बीएड होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है आपका टीचिंग पढ़ाने का उड़िया और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा। इसी तरीके से TGT इंग्लिश है, TGT हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है वो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना जरूरी है। TGT संस्कृत, ये आपने सब्जेक्ट के रूप में बैचलर डिग्री आपने इसमें पढ़ा हो सब्जेक्ट। उसके बाद TGT मैथमेटिक्स है, TGT साइंस। सोशल स्टडीज के लिए कह रहे हैं कि BA में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इनमें चारों में से एक सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। आर्ट टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट मांगा गया है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फिजिकल एजुकेशन में BPED MPED वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए BE या BTech कंप्यूटर साइंस में, IT वाले MCA, MSc IT, MSc कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बी लेवल DOEC वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने BCA या BSc कंप्यूटर साइंस में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सभी में BEd चाहिए। TGT टीचर्स के लिए BEd कंपल्सरी है, ठीक है। डीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट जो है वो आप यहां देख लें। एज लिमिट जो है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 50 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई करें, और प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़कर सभी के लिए 21 से लेकर 38 साल जो है यहां पर एज लिमिट रखी गई है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन जो है वो कैसे रहेगा। तो सिलेक्शन जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को इसी PDF में बता दूंगी। 21 पेजेस की PDF फाइल है। सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेंगे, तो ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों का सेंटर रहेगा एग्ज़ाम का, ठीक है। कटक, संबलपुर, राउरकेला, भुवनेश्वर, बहरामपुर और बालासोर। तो ओडिशा स्टेट की वैकेंसी है ये। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर क्या लग रही है। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2,000 रुपीज़ है। अनरिजर्व कैटेगरी SEBC कैंडिडेट के लिए, बाकी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1,250 रुपीज़ है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। टीचिंग पोस्ट के लिए 1,500 है, 1,500 रुपये है। अनरिजर्व कैटेगरी SEBC कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज़ है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए जो भी टीचिंग पोस्ट है TGT की, ठीक है। इसके अलावा जो है आर्ट्स की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए। कैसे अप्लाई करना है तो बहुत जो है आसान कर दिया इन्होंने, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों को वेबसाइट पर पहुँचना है oav.edu.in। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेप लिखे हुए हैं, इन्हीं को फॉलो करना है, स्टेप फॉर अप्लाइंग, ठीक है। तो इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओडिशा के ही जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। कारण क्या है कि इन्होंने जो है यहां पर तो ये लिख दिया है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो है नागरिक होना जरूरी है। लेकिन जब क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये लिख रहे हैं कि आपने जो है उड़िया लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। उड़िया लैंग्वेज जो है वो आपने किसी ना किसी रूप में पढ़ी हो, या आपने जो है सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो, या लैंग्वेज के रूप में पढ़ी हो आपने ME स्टैंडर्ड में। तो इस वजह से जो है बाकी जो है आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये उसके लिए जो है मना नहीं कर रहे हैं। बट ओडिया लैंग्वेज तो ओडिशा के कैंडिडेट ही जानते हैं, उन्होंने ही उसे भाषा के रूप में पढ़ा होता है, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होता है। तो ये वैकेंसी है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, ये ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन से, और भी राज्यों के आदर्श विद्यालय से वैकेंसी आती है। आप लोगों को सूचना दी जाएगी, रेगुलर बने रहें चैनल पर। थैंक यू।